हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिकली ऑपरेशन की क्लास जिसमें आपको ये और ये क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है इसमें आपको एच पुलिस एस एस रेलवे एन टी पुटवारी के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को आज के इस प्यारे सा सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है गणित की एक काल्पनिक काल्पनिक में प्लस से गुणा का अभिप्राय गुणा का यानी कि मल्टीप्लाई का घटाना से डिवाइड का जोड़ना से माइनस का भाग से देना है इस गणितीय की क्रिया में अन्य सभी नियम वही है जो कि चालू प्रक्रिया प्रणाली में है इस इन में से कौन सा निम्नलिखित का उत्तर है आपको बताना है क्वेश्चन में करना क्या है आपको इक्वेशन दे के रखी है इक्वेशन दे के रखी है और ऊपर आपको साइन दिए हुए हैं, जिसमें प्लस को गुणा लिखना है गुणा को आपका उठाना लिखना है डिवाइड को आपने जोड़ना लिखना है माइनस को आपने भाग लिखना है और इस इक्वेशन को बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करना है बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन था आपका 175। अब यहां पर माइनस लगा माइनस का अर्थ है डिवाइड माइनस का अर्थ है डिवाइड 25 डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है जोड़ना यानी कि प्लस फाइव फिर प्लस लिखा है तो प्लस का साइन यहां पर क्या है प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई ट्वेंटी मल्टीप्लाई का मतलब है 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 माइनस एंड प्लस प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब मतलब गुणा के मल्टीप्लाई तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को जब ट्वेंटी फाइव आपने यहां पर बोर्ड मास को फॉलो करना है आपने यहां पर बोर्ड मास को फॉलो करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप डिवाइड को सोल्व करेंगे तो एक को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा सेवन प्लस था तो प्लस लगाया जब फाइव की ट्वेंटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा हंड्रेड माइनस थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे टेन के साथ आपके पास आएगा थर्टी सेवन और हंड्रेड को प्लस करने पर आपके पास आएगा वन जीरो सेवन माइनस थर्टी इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 77 सेवन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77 सेवन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवनटी सेवन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि इस क्रिया में डिवाइड से भाग का अभिप्राय है डिवाइड माइनस का डिवाइड से अभिप्राय है प्लस का अर्थ है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड का अर्थ है घटाना यानी कि माइनस गुणा का अर्थ है जोड़ना तो आपको क्या करना है ये समीकरण दी हैं चार फोर इक्वेशन आपको गिवन है आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो सही रहने वाली है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं सिक्स फिर डिवाइड का अर्थ है माइनस ट्वेंटी मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़ना यानी मल्टीप्लाई सेवन एंड माइनस माइनस का अर्थ देके रखा है डिवाइड मास के थ्रू सबसे पहले डिवाइड आता है तो सेवन को जब वन से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा सेवन उसके बाद सेवन की करेंगे सेवन की करेंगे ट्वेल्व के साथ मल्टीप्लाई आपके पास आएगा एट्टी फोर प्लस ट्वेंटी माइनस सिक्स इसके बाद आपका होता है प्लस तो प्लस करेंगे तो एट्टी फोर में सिक्स को प्लस करना है आपके पास आएगा नाइन्टी और नाइन्टी में से आपने ट्वेंटी को माइनस करना है तो आपका रिजल्ट आएगा यहां से निकलकर सेवनटी यानी कि यहां पर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है सही उत्तर चुनना है यहां पर क्वेश्चन क्या दे के रखा है कि ट्वेल्व डिवाइड सॉरी ट्वेल्व स्टार थ्री स्टार फोर स्टार एट स्टार जीरो यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ए प्लस प्लस सेकेंड ऑप्शन है ए डिवाइड 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 प्लस डिवाइड थर्ड ऑप्शन था आपके पास तीन बार माइनस का साइन है और लास्ट ऑप्शन है डिवाइड प्लस माइनस तो आपने जल्दी से इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका सही आंसर कौन सा रहेगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही है तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है आपने नाइनटीन फीस दिया आपने क्या करना है कि जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना

पर साइन इक्वल टू का भी लगा लेना इक्वल टू के बाद लिखनी आपने इस जीरो जब ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा फोर प्लस फोर माइनस एट इक्वल टू जीरो फोर प्लस फोर मिलकर बनेंगे एट माइनस एट इक्वल टू जीरो और एट माइनस एट करने पर आपको मिलेगा जीरो इक्वल टू जीरो मतलब आपका यहां पर लास्ट वाला जो आपके पास साइन दिए हुए थे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपके पास सेम क्वेश्चन है इसमें भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो सेवन स्टार फोर स्टार एट स्टार टू स्टार ट्वेंटी फोर आपके पास चार ऑप्शन गिवन है ये रहा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम टाइम आपने लास्ट वाले लास्ट वाले जो आपका ऑप्शन होगा वहीं से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे आपने यहां पर भी इक्वल टू लगा लेना है साथ में ठीक है इक्वल टू करके एक अलग साइन ले लेना है यहां पर जो कि इसने गिवन नहीं दिया हुआ है इसमें है नहीं

पॉइंट में तो रिजल्ट है नहीं तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं यहां आपके पास है सेवन मल्टीप्लाई फोर माइनस एट डिवाइड टू इक्वल टू ट्वेंटी फोर इसको देख लेते हैं सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एट को डिवाइड करना है टू के साथ आपके पास आएगा फोर माइनस सेवन की फोर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने ये रहा सेम ही क्वेश्चन है ये भी <coughs> लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या बोला गया है कि प्रतीकों के सही समुचे को चुने जो दिए गए समीकरण में व्यवस्थित हो जाएं। यह आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको करना क्या है वो चीज देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि ट्वेंटी थ्री स्टार ट्वेंटी सिक्स स्टार ट्वेंटी सेवन ऑप्शन ए में बोला गया है कि प्लस थ्री इक्वल टू एंड इनटू वन इक्वल टू ठीक है उसी तरह आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑप्शन नंबर सी है एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है चार ऑप्शन आपके सामने गिवन बने तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से इसका आंसर बता सकता है कि इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है चलिए मैं उठाता हूं ऑप्शन नंबर यहां पर सी देखना कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे क्या लॉजिक रहेगा सबसे पहले ये ट्वेंटी थ्री लिखने आपको जो दिए हैं ये ट्वेंटी थ्री वो एज इट लिख लेने हैं। फिर इसमें प्लस थ्री बोल रहा है जब प्लस थ्री करेंगे तो आपके पास आएगा इक्वल टू करने के बाद ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स आ गया आपका ये वाला ये ट्वेंटी सिक्स आ गया आपका ये देन इसके बाद बोल रहा है प्लस इसमें करना है वन और इक्वल टू करेंगे तो आएगा ट्वेंटी सेवन जो कि आपको ये दे के रखा है इसने तो इस क्वेश्चन को आपने इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है सबसे पहले क्या किया ट्वेंटी थ्री लिखे ट्वेंटी थ्री में प्लस थ्री करेंगे तो आपके पास आएगा ट्वेंटी सिक्स ठीक है उसके बाद ट्वेंटी सिक्स में वन प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा ट्वेंटी सेवन तो इट मींस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्योंकि तो बाकी तो हो ही नहीं सकते हैं ना जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें प्लस थ्री तो होगा ट्वेंटी सिक्स आएगा लेकिन को बन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स ही रहेगा तो आपका ये भी गलत हो गया सेम बी भी, भी गलत हो गया डी भी गलत हो गया तो निकल कर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं इसमें क्या दिया है क्वेश्चन है कि प्रतीकों के सही समुचय को चुने जो दिए गए समीकरण में व्यवस्थित हो जाए जो दिए गए समीकरण में व्यवस्थित हो जाए अब क्वेश्चन क्या दे के रखा है कि 65 फाइव स्टार फोर्टी स्टार इलेवन स्टार ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट है माइनस प्लस सेकंड ऑप्शन है इनटू एंड डिवाइड थर्ड ऑप्शन है डिवाइड एंड प्लस और लास्ट ऑप्शन है प्लस एंड मल्टीप्लाई तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर सही ऑप्शन कौन सा रहेगा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहां पर भी वही सेम ही है कि यहां पर तीन स्टार है आपको साइन दे के रखे हैं दो आपने एक और ले लेना यहां पर साइन इक्वल टू का सेम सारे एग्जांपल्स में ठीक सॉरी सारे ही ऑप्शंस में चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को 65 फर्स्ट ऑप्शन से सॉल्व कर रहा हूं माइनस फोर्टी प्लस इलेवन इक्वल टू इक्वेशन आपकी आ गई सबसे पहले हम करेंगे प्लस जब मैं 65 में 11 प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 76 सिक्स माइनस फोर्टी इक्वल टू थर्टी जब 76 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा 36 सिक्स टू थर्टी इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन है कि दिए गए उत्तर अंक तक पहुंचने के लिए अनुक्रमिक क्रिया के वास्ते उचित चिन्ह चुनी क्वेश्चन क्या है कि थर्टी वन स्टार वन स्टार टू स्टार वन यहां पर ना आपने टेंस लिखा है इसको इक्वल ले टू लेना यहां पर एक ही हो गया है ना सिक्सटीन आपके पास ऑप्शन गिवन है ठीक है यहां पर इक्वल टू ले लेना इजी रहेगा आपके लिए ठीक है तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को ऑप्शन नंबर डी से उठाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्वेश्चन क्या आएगा देखो जरा थर्टी वन पहला आएगा, का, फिर था आपका, तो डिवाइड लगाएंगे फिर टू आएगा प्लस एंड इक्वल टू करके आएगा आपका सिक्सटीन इक्वल टू करके आएगा आपके पास सिक्सटीन करना क्या है आपको यहां पर थोड़ा सा इसने ना मिस्टेक भरा क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर आपको इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट में लिखना है इसको थर्टी वन स्टार वन को जब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो थर्टी वन को जब मैं थर्टी वन में से वन माइनस करूंगा फिफ्टीन थर्टी uh, आएगा डिवाइड टू एंड प्लस वन इक्वल टू सिक्सटीन अब जब थर्टी को टू से डिवाइड करेंगे तो आएगा फिफ्टीन प्लस वन फिफ्टीन प्लस वन क्वल टू सिक्सटीन और सिक्सटीन इक्वल टू सिक्सटीन आ गया आपका रिजल्ट तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन क्या देखे रखा है कि इफ प्लस मींस माइनस प्लस का मतलब माइनस है माइनस मींस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस ये आपको देख के रखा इक्वेशन आपके सामने है टू डिवाइड सिक्स इंटू सिक्स डिवाइड टू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को टू आएगा सबसे पहले डिवाइड का मतलब क्या है डिवाइड मीन्स प्लस है तो प्लस आएगा सिक्स इंटू इंटू मीन्स है डिवाइड एंड डिवाइड का मतलब क्या है डिवाइड का मतलब क्वेश्चन में देख रखा है प्लस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिक्स को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा वन प्लस करने पर आपके पास आएगा टू प्लस टू फोर एंड प्लस वन करेंगे तो आपके पास आएगा फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने ये रहा सेम क्वेश्चन है आप लोग भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन क्या है कि इन टू का मतलब है माइनस माइनस का मतलब है डिवाइड प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब है प्लस तो आपको जो इक्वेशन दे के है उसको सॉल्व करना है बताना है उसका रिजल्ट क्या आएगा चलिए हैं इक्वेशन को सिक्सटीन इन टू का मतलब था माइनस एट डिवाइड का मतलब है प्लस फोर माइनस का मतलब है डिवाइड माइनस का मतलब है डिवाइड थ्री एंड प्लस तो प्लस का मतलब आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से आपका इनटू नाइन ये क्वेश्चन है आपका चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को और देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड सॉल्व होगा देखो फोर डिवाइड थ्री है इसको लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री इंटू नाइन प्लस एट माइनस सिक्सटीन थ्री से ये नाइन कटेगा थ्री टाइम में आपके पास आएगा सिक्सटीन माइनस एट प्लस ट्वेल्व सिक्सटीन में ट्वेल्व प्लस करेंगे आपके पास आएगा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट माइनस एट करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका ट्वेंटी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन आपके सामने ये रहा आप लोगों ने भी ट्राई करना है और बताना है कमेंट में जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन क्या है कि प्लस का मतलब है माइनस के साथ माइनस है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड है प्लस और इन टू का मतलब है डिवीजन यानी डिवाइड आपको जो इक्वेशन दिया उसको सोल्व करना है बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा ठीक है तो चलिए सोल्व करते हैं गिवन इक्वेशन को और देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन क्या है आपके पास फिफ्टीन माइनस थ्री फिफ्टीन माइनस थ्री अब माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई से है तो मल्टीप्लाई थ्री लिख देंगे फिर प्लस था तो प्लस का अर्थ किसके साथ है प्लस का अर्थ है माइनस के साथ माइनस का मतलब है डिवाइड फाइव एंड डिवाइड का मतलब क्या है प्लस यानी कि फाइव बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे सबसे पहले डिवाइड होगा जब टेन को फाइव से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा टू फिफ्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा फोर्टी फाइव ठीक है अब फिफ्टी में फाइव प्लस करेंगे तो आप सॉरी फोर्टी फाइव में फाइव प्लस करेंगे, 50, 50 में से 2 करेंगे तो फोर्टी एट निकल कर आएगा इसका सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर इलेवन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दे के रखा है कि माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन डिवीजन डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रेक्शन एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन एक ऐसी है जो बिल्कुल कोरेक्ट है ठीक है तो चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है फर्स्ट इक्वेशन है ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस का मतलब क्या था प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन तो माइनस आएगा एट माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन सेवन फिर डिवाइड था तो डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड इनटू मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन यानी कि फोर क्वल टू ट्वेंटी फाइव आपको प्रूफ करना है कि ये ट्वेंटी फाइव के इक्वल है या नहीं चलिए देखते हैं देखो जब एट को सेवन से डिवाइड करेंगे point में आएगा। और रिजल्ट तो पॉइंट में है नहीं इट मीन आपकी इक्वेशन आपका ये जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं ऑप्शन बी क्या है सबसे पहले ये ट्वेंटी आएगा और माइनस स्टेंड्स फॉर डिवीजन फाइव उसके बाद डिवाइड है तो आपके पास आएगा फोर फोर इंटू फोर करने पर फोर इंटू फोर करने पर सिक्सटीन आएगा माइनस सिक्स प्लस फाइव और यहां पर सिक्स में जब हम फाइव प्लस करेंगे सिक्स में फाइव प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन में से जब हम सिक्स माइनस करेंगे तो आएगा फिफ्टीन तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है इट मीन आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपके सामने ये रहा क्वेश्चन ट्वेल्व क्या देख रखा है कि इफ ए रिप्रेजेंट्स डिवाइड ए डिवाइड को रिप्रेजेंट करेगा बी रिप्रेजेंट प्लस सी रिप्रेजेंट माइनिस एंड डी रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई आपको बताना है कि जो इक्वेशन है उसका रिजल्ट क्या आएगा चलिए सॉल्व करते हैं ट्वेंटी फोर ए स्टैंड फोर डिवाइड सिक्स आ गया डी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई फोर और बी स्टैंड फॉर प्लस सी स्टैंड फॉर माइनिस जब 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4 और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस नाइन माइनस एट आएगा ठीक है जब 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 25 फाइव माइनस एट ट्वेंटी माइनस एट करने पर आपके पास आएगा 17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन क्या दे के रखा है कि प्लस माइनस माइनस है मींस मल्टीप्लाई है डिवाइड का मतलब प्लस है एंड प्लस इनटू का मतलब है डिवाइड आपको बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा टेन इनटू का मतलब क्या दे के रखा है मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड डिवाइड का मतलब क्वेश्चन में देके रखा है प्लस थ्री माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई से एंड प्लस का मतलब है माइनस से तो जल्दी से इस इक्वेशन को बोर्ड मास के रूल के हिसाब से बताओ सॉल्व करके कि इसका रिजल्ट क्या आएगा चलिए देखते हैं जब टेन को फाइव से डिवाइड करेंगे तो आएगा फाइव प्लस थ्री टू सा करेंगे तो सिक्स आएगा एंड माइनस थ्री Six और फाइव प्लस करेंगे तो इलेवन माइनस थ्री तो आपके पास रिजल्ट आएगा यहाँ पर रिजल्ट यहां से एट निकल कर आ रहा है एक बार दोबारा से देख लेते क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई क्वेश्चन नंबर थर्टीन एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए सभी लोग यहां पर मिस्टेक हो रही है क्योंकि टेन को फाइव से डिवाइड करेंगे तो टू आना था मिस्टेक पर फाइव लिख दिया था जब सिक्स में टू प्लस करेंगे तो एट आएगा यहां एट में से थ्री माइनस करने पर आपके पास रिजल्ट आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके सामने ये है जल्दी से ट्राई करने सभी लोगों ने कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा देखो क्वेश्चन में दिया है कि माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड द फॉलोइंग इक्वेशन इज कोरेक्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक इक्वेशन है जो बिल्कुल कोरेक्ट है चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है सेवन टी माइनस का अर्थ है डिवाइड टू प्लस का मतलब है सबट्रैक्शन फोर एंड डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई फाइव इन टू का मतलब क्वेश्चन में देख रखा है आपका एडिशन यानी कि ऐड फाइव ऐड करेंगे सिक्स चलिए सॉल्व करते हैं देखो सेवेंटी को टू से डिवाइड करेंगे तो थर्टी फाइव आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी आएगा प्लस सिक्स देखो इनको सोल्व करने पर आपके पास 44 नहीं आ रहा है सोल्व करने पर 44 नहीं आ रहा है इट मीन आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है वो गलत हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है सेवनटी डिवाइड डिवाइड माइनस का मतलब डिवाइड ही है तो टू आएगा प्लस का मतलब था माइनस तो माइनस फोर आएगा डिवाइड का मतलब क्वेश्चन में देखिए रखा है सेम इक्वेशन है ना सेम इक्वेशन है अब देखो 35 में 6 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहां पर 41 41 एंड में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 21 जो कि इक्वेशन टू ही एक ऐसी है यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जिसमें वो 21 वन इक्वल टू ट्वेंटी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है इट मीन आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दे के रखा है कि इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस एंड मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस आपको क्या करना है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज कोरेक्ट चलो फर्स्ट ऑप्शन उसको चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को थर्टी माइनस माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन डिवाइड सिक्स प्लस स्टैंड फॉर प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा देखो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड आएगा जब थर्टी को सिक्स से डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा फाइव इन टू फाइव प्लस फोर माइनस टू फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फाइव आएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में फोर प्लस करेंगे ट्वेंटी नाइन आएगा और ट्वेंटी नाइन में से टू माइनस करने पर रिजल्ट निकल कर आ रहा है ट्वेंटी सेवन यानी कि यहाँ बोल सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या देखे रखा है यहां पर डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई का अर्थ है योग यानी के प्लस के साथ योग का मतलब होता है प्लस माइनस का अर्थ है भाग के साथ भाग यानी के डिवाइड का अर्थ है घटाना यानी के माइनस के साथ और प्लस का अर्थ है गुणा के साथ यानी के साथ तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है यह पूछ रहा है आपसे चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है तो जल्दी से ट्राई करना कि इसका सही आंसर क्या होगा वीडियो <coughs> को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करो ताकि आपको पता लगे कि आपका ये सॉल्व हो रहा है चैप्टर इस चैप्टर के क्वेश्चन या नहीं हो रहे हैं ठीक है थीके? तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कौन सा इसका सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन से सॉल्व करते हैं 16, देखो प्लस का अर्थ क्या है प्लस का अर्थ क्वेश्चन में अर्थ क्या देके रखा है क्वेश्चन में देखो जरा माइनस <coughs> का अर्थ है डिवाइड टेन आएगा इनटू का अर्थ क्वेश्चन में देके रखा है इनटू का अर्थ है योग यानी प्लस फोर आएगा एंड डिवाइड का अर्थ है घटाना यानी कि माइनस थ्री आएगा इक्वल टू नाइन अगर ये नाइन के बराबर आता है तो आपकी इक्वेशन सही है ये चलिए बोर्ड फाइव को, को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर वन बाय टू ठीक है क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर वन बाय टू वन बाय टू आएगा इस टू से इस सिक्सटीन को डिवाइड करेंगे तो एट आएगा अब आपके पास क्या बच रहा है एट प्लस फोर माइनस थ्री एट प्लस फोर ट्वेल्व माइनस थ्री तो आपके पास आ गया नाइन तो हम बोल सकते हैं कि नाइन इक्वल टू नाइन इट मीन आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन क्या दे के रखा है कि यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है परदत्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है वट शुड बी द कोरेक्ट साइंस ऑफ द इक्वेशन टू अराइव एट गिवन आंसर बोल रहा है ये तो समीकरण के लिए उपयुक्त चिन्ह क्या होने चाहिए ये बोल रहा है चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बिल्कुल सही साइन क्या रहेंगे देखो इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं करना क्या है सेवनटीन माइनस थ्री इन सिक्स है जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा निकलकर माइनस वन लेकिन आपको करना क्या है कि इसको इक्वल बनाना है बैलेंस बनाना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है ठीक है <coughs> तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम टाइम आपने यहीं से स्टार्ट करना है चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे 70 लिखें लिखेंगे सबसे पहले जो सेवनटीन दिए एंड इन टू एन टू थ्री आएगा करा कुछ नहीं है साइन को आपस में इंटरचेंज करा है मैंने यहां पर ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से जब सेवनटीन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी वन आएगा माइनस सिक्स करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा फोर्टी फाइव ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ये ठीक है ऐसे सॉल्व करने पर आपके पास फाइव आ रहा है लेकिन आपको सेवन के बराबर बनाना है ठीक है कुछ नहीं करना है ना साइन को इंटरचेंज कर लो पहले ही तो आपके पास क्या आएगा थ्री इन टू टू प्लस वन इक्वल टू सेवन थ्री इंटू टू करेंगे तो सिक्स आएगा प्लस वन इक्वल टू सेवन तो सेवन इक्वल टू सेवन यानी कि आपने ऑप्शन नंबर यहां से ए उठाया था तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर एटीन का बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन क्या देख के रखा है कि इफ डिवाइड मीन्स प्लस डिवाइड का मतलब है प्लस इनटू टू मीन्स सब्ट्रैक्शन देन इक्वेशन दे के रखिए ये फिफ्टीन इंटू नाइन डिवाइड ट्वेल्व इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी ये चलो सॉल्व करते हैं देखो ब्रैकेट में लिख रहा है फिफ्टीन इंटू नाइन इंटू का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन है माइनस है ये नाइन फिर डिवाइड था तो डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे ट्वेल्व इंटू फोर इन का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन है माइनस फोर इन टू का मतलब देखो दोबारा से बता रहा हूं सब ट्रैक्शन है।, मतलब है आपके पास प्लस यानी फोर आएगा यहां पर निकलकर जब फिफ्टीन में से नाइन माइनस करेंगे तो आएगा सिक्स प्लस ट्वेल्व में से फोर माइनस करेंगे तो एट आएगा एंड फोर में फोर प्लस करेंगे तो भी एट आएगा एक एट प्लस का है दूसरा माइनस का है, कट जाएंगे, रिजल्ट आएगा आपके पास यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए आज के का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपके सामने ये रहा क्वेश्चन क्या दे के रखा है कि इफ मल्टीपाल मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस प्लस स्टैंड इन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन दे के रखिए इसको सॉल्व करना है चलिए सॉल्व करते हैं 16 का मतलब क्या है माइनस फाइव ब्रैकेट मेंल्टीप्लाई देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सिक्सटीन में से फाइव माइनस करेंगे इलेवन आएगा प्लस फाइव इंटू थ्री करेंगे तो फिफ्टीन आएगा प्लस करने पर रिजल्ट आ रहा है आपके पास 26 यानी यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो आज के सेशन में मैं आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए थैंक यू आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए